सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। वो कहते हैं ना, सच दबाने के लिए शोर करना जरूरी है। जी हाँ, ठीक ऐसा ही हुआ सेंट फ्रांसिस स्कूल के साथ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल के स्पोर्ट्स कोच पर बच्चों को नशे की लत देने का आरोप लग रहा है। लिहाजा प्रतिष्ठित स्कूल पर आरोप लगे तो सोशल मीडिया पर जानबूझकर स्कूल को बदनाम करने के उद्देश्य से खबरें भी चलने लगी। लेकिन छात्र और छात्र के अभिभावकों को स्कूल पर पूर्ण रूप से भरोसा है, जिसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन ने आंतरिक जांच कराई, जिसके बाद स्पष्ट हो गया कि स्कूल कैंपस पर लग रहे आरोप निराधार हैं। इसी के साथ तमाम अफवाहों पर विराम लगा। इस संबंध में जब हमारी टीम ने स्कूल प्रशासन से बातचीत की तो उन्होंने आरोप को नकारते हुए कहा कि किसी भी स्पोर्ट्स कोच की तरफ से ऐसा नहीं किया गया है, ना ही फीस की डिमांड की गई है। स्कूल प्रशासन ने कहा कि प्रार्थना पत्र के मुताबिक आरोपी का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मामला यही है, 28 सितंबर को हमें पता चला, एक सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज़ वायरल जा रहा है, हम लोगों को देख लिया। उसके बाद व्हाट वी फाउंड इज द न्यूज़ वाज फेक। हमारा स्कूल के अंदर 4 बजे के बाद 5 बजे तक अकेडमी चल रहा है, तो वैसे एक आरोप किया उन्होंने पेरेंट और उसके बच्चा। बट वी इन्वेस्टिगेटेड, हमारा एक कमेटी है वो इन्वेस्टिगेट किया, हम लोगों को पर्सनली बात किया बच्चों से और पेरेंट्स से, फिर सीसीटीवी कैमरा भी चेक किया। ऐसे इनसाइड द कैंपस इट वाज टोटली क्लीन एंड सेफ। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि आरोपी ने कभी भी किसी भी बच्चे को गलत तरीके से ना तो छुआ है और ना ही कभी भी हाथ लगाया है। साथ ही आरोपी ने कभी भी कोई भी ड्रग्स देने की बात नहीं की। आरोपी ने कभी भी किसी भी बच्चे का स्टैमिना बढ़ाने के लिए कुछ भी देने के लिए नहीं बोला है। के बारे में, हमारा ये टीचर के बारे में सारी पेरेंट्स को पता है हाउ ही इज डीलिंग विद द स्टूडेंट्स। जी जी, ठीक है जी। उसके बाद हमारा स्कूल का नाम एक रेप्यूटेशन है, वो पेरेंट्स ने क्रिएट किया है, दैट रेप्यूटेशन। सो पेरेंट्स आर विद अस, दे आर एक्सटेंडिंग सपोर्ट देयर एंड, एंड सबसे ऊपर उसको पता है व्हाट इज ट्रूथ। सो बहरहाल तमाम अफवाहों के बाद भी शिक्षक अपना काम करते हैं और करते रहेंगे। शिक्षक न केवल बच्चों को शिक्षा और ज्ञान देते हैं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जो नैतिक महत्व को स्थापित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, पुलिस मीडिया न्यूज़।